हेलो फ्रेंड्स, घर में बहुत बार रोटियां बच जाती हैं। आज हम उन रोटियों को यूज़ करते हुए रोटी पिज़्ज़ा बनाएंगे, जो कि बच्चों को और हम सबको भी बहुत पसंद होता है। इसके लिए लिया है हमने एक छोटी शिमला मिर्च, एक टमाटर, एक प्याज। टमाटर के बीज निकालकर उनको छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। शिमला मिर्च को थोड़ा बड़े पीस में चॉप कर लेंगे। प्याज को थोड़ा बड़ा बड़ा काटेंगे और उसके बाद उनको अलग अलग कर देंगे। ये हमारी सब्जियां चॉप हो गई हैं। ये हमने थोड़ी पिज़्ज़ा सॉस ली है, ये मार्केट में आराम से मिल जाती है। ये हमने मोज़ेरेला ग्रेटेड चीज़ ली है। अगर आपके पास चीज़ क्यूब्स हैं तो आप उनको ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। ये हमने थोड़े से फ्रोज़न कॉर्न्स लिए हैं। अब हम एक बोल में शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, थोड़े से कॉर्न, अगर आप नॉर्मल कॉर्न लेते हैं तो आप उनको पहले बॉईल कर लें, और थोड़ा सा चीज़ लेंगे। इससे हमारी टॉपिंग्स में अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। अब हम इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डालेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने एक बची हुई रोटी ली है। अब हम रोटी के ऊपर एक थिन लेयर पिज्जा सॉस की लगा देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज डालेंगे और जो हमने टॉपिंग्स बनाई थी उसको इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम अच्छी तरह से इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। इसको रोटी के साइड में ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये खुद ही मेल्ट होकर किनारों तक आ जाती है। अब हम गैस पर तवा रखेंगे। लो फ्लेम पर पिज़्ज़ा को ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चीज़ पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे और इस पे चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो डालकर सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।